Okay, students, so today we are here with another lecture. Today we're going to talk about chemical bonding. और केमिकल बॉन्डिंग में जो है आज का टॉपिक हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होगा. और इस टॉपिक में हम जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो किसी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यानी उनकी जो शेप वगैरह है उसको डिटरमिन करने में हमें हेल्प करते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इसको सेडविक एंड पावल ने 1940 में एक्सप्लेन किया एंड दे रियली टोल्ड अस अबाउट दैट हाउ दीज वैलेंस शेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल्स. वी नो दैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में दो चीज़ें कॉमन होती हैं, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. बॉन्ड पेयर्स जो हैं दे आर दोज काइंड ऑफ पेयर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं, और जो लोन पेयर्स हैं ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में वर्कआउट नहीं कर रहे होते. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस दैट जो बॉन्ड पेयर्स हैं और जो लोन पेयर्स हैं दोनों जो हैं वो ज्योमेट्री को फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं. ये वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पहला पॉइंट है. उसके बाद यू कैन से दैट ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ये किसी एक पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द होते हैं. पॉलीवेलेंट एटम उसको आप कहेंगे जिसके गिर्द मुख्तलिफ एटम्स ने अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है. लेट्स से दैट अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है वो पॉलीवेलेंट एटम है, क्योंकि इसको पॉलीवेलेंट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इट इज द सेंट्रल एटम इन द मेकिंग शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड उसके इर्द गिर्द जो है वो तीन यू कैन से दैट के फ्लोरीन एटम जो हैं उन्होंने इसके इर्द गिर्द जगह घेरी हुई है. सो यू कैन जस्ट से दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम सो दैट टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शंस. और ये वजह इसलिए होती है क्योंकि रिपल्शंस को अवॉइड करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट वी हैव अ बोरॉन एंड इट रिमेन्स इन द सेंटर. बोरॉन रिमेन द सेंटर टू गेट रिड ऑफ रिपल्शंस विच आर बींग देयर बिकॉज ऑफ फ्लोरिन एटम्स. और अगर बोरॉन सेंटर में रहेगा तो ये रिपल्शन जो हैं ये मिनिमम होंगी. सो यहाँ पर पॉलीवेलेंट एटम के बारे में सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, राइट. इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर्स. अगर हम यहीं पर देखें इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं है इस मॉलिक्यूल में. लेट जस्ट टॉक अबाउट अमोनिया. Ammonia contain 5 electrons and 3 of its electrons are shared with the hydrogen atoms. और देखें यहां पर आप नजर आ रहा है कि ये तीनों बॉन्ड पेयर हैं, ये जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है. और इसके अलावा यू कैन जस्ट से दैट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लोन पेयर्स. दे आर lone pairs because they are not these two electrons are not participating in any kind of bond formation. What scientists are trying to say is that ki agar aap for example nitrogen ke sath hydrogens ko dekhenge to ye lone pair ne zyada jagah occupy ki hui hai, larger space occupied. और इसके अलावा यू कैन से दैट ये जो हाइड्रोजन है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर रखते हैं इसलिए इन्होंने ज्योमेट्री में कम जगह ऑक्यूपाई की है अमोनिया के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में. इसके अलावा हम और क्या सेंस कर सकते हैं, अगर हम कोई मॉलिक्यूल देखते हैं जैसे लेट्स से दैट so we can say that we got some polyvalent atoms and lone pair occupy more space. That third postulate, lone pair occupy
more space while bond pair occupy less space, right? So that's the third postulate. अब इसमें आप ये भी बात याद रखिएगा सब स्टूडेंट्स कि जो लोन पेयर होते हैं और जो लोन पेयर होते हैं दे विल ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोन पेयर अगर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसे कम जगह कौन ऑक्यूपाई करेगा, लेस स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट. और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से भी लेस जगह ऑक्यूपाई कौन करेंगे, यस बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. यानी जब बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइनलाइज करने के लिए वो जगह कम ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर. अगर लोन पेयर होगा तो डेफिनेटली वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और बॉन्ड पेयर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा. और लोन पेयर अगर होंगे मीन से अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लोन पेयर्स हैं तो वो डेफिनेटली ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे और बॉन्ड पेयर्स को बहुत कम जगह मिलेगी. ये सेंस बनाने की बात इसलिए की है कि आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन से दैट कि जो लोन पेयर हैं दे आर ग्रेटर स्पेस ऑक्यूपाइंग देन दैट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर आर ग्रेटर इन स्पेस ऑक्यूपाइंग देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. सो दैट्स द फाइनल थिंग व्हाट आई कैन टेल यू, राइट. So, up for example, if we just move towards the four postulates of this Vesper theory, the two electron pairs of a double bond and three electron pairs of a triple bond contain higher electronic charge. Therefore, they occupy more space than that of the electron pair of a single bond, but behave like a single electron pair determining the geometry of a molecule. This is because they tend to occupy the same region between the two nuclei like a single bond. Ab isme फोर्थ पोस्टुलेट में मैं आपको ये समझा सकता हूँ. स्टेटमेंट आपने सुन ली है कि लेट्स से दैट कि अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड है और दो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हमें ये याद रखना होगा कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस और जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन दैट ऑफ द ट्रिपली बॉन्डेड, राइट. लेस स्पेस देन दैट ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स. और जो सिंगली बॉन्डेड हैं दे विल ऑक्यूपाई द लीस्ट मोर स्पेस. यू कैन से दैट कि ये इनसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. सो यू कैन से दैट कि जो ट्रिपली बॉन्ड है ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस देन दैट ऑफ डबली बॉन्डेड एंड डबली बॉन्डेड विल ऑक्यूपाई द लार्जर स्पेस देन दैट ऑफ सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और सिंगली बॉन्डेड एटम्स. तो अब ये हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें सर्वडेग और पावल ने हमें एक्सप्लेन किया. सो आई रियली होप आपको कुछ समझ में आ रही है इस थ्योरी की. लेट्स गो फ्रॉम द पोस्टुलेट नंबर वंस अगेन कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, राइट, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं. और कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम को हम पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं. और इसके अलावा अगर हम देखें लोन पेयर बॉन्ड पेयर की क्यूरी को कि ये जगह कितनी ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में या मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर्स. तो हमें कम से कम इतना बताना चाहिए कि व्हाट द हेल लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर इन अ मॉलिक्यूल्स. तो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स भी कोट किए हैं पीछे. उसके बाद लास्ट में द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि जो ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दो न्यूक्लियाई के दरमियान चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है ज्यादा शेयर्ड हो रहे हैं,
तो इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, तो कॉमन सेंस की बात भी है। अगर टग एंड वॉर हो रही है, तो अगर तीन तरफ एतराफ़ में टग एंड वॉर हो रही है, तो फिर डेफिनेटली तीन रस्से आने हैं और तीन रस्सों का ज़्यादा जगह चाहिए, और जहाँ पर एक रस्सा होगा उसको कम जगह चाहिए। तो इसको थोड़ी सी लोकल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और डबल बॉन्डेड कम जगह घेरेंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम और लीस्ट जगह घेरेगा। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन करूंगा, 6.4 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, और इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करूंगा। राइट, थैंक यू सो मच।